इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। हे एवरीवन, कई बार आपका एक क्वेश्चन कॉमन वाला मेरे कमेंट बॉक्स में हमेशा होता है कि दी मेकअप लगाने के बाद हमारा मेकअप फ्लॉलेस क्यों नहीं लगता है। ऐसा मेरे साथ भी होता है, बिलीव मी, ऐसा मेरे साथ भी होता है। मेरा भी मेकअप कभी कभी बहुत गंदा दिखता है और रीज़न एक ही दो होते हैं, और वो रीज़न अगर आपके हैं तो डेफिनेटली आपका मेकअप फ्लॉलेस नहीं दिखता। फर्स्ट रीज़न होता है कि स्किन पर काफ़ी ज़्यादा डेड स्किन सेल्स है। सेकेंड रीज़न ये भी होता है कि स्किन को अच्छे से आपने स्क्रब नहीं किया है, मास्क नहीं लगाया है, स्किन वेल मॉइस्चराइज और हाइड्रेट नहीं है, तो इन सारे कारणों की वजह से आपका मेकअप अच्छा नहीं दिखता है। इसीलिए सबसे पहले हमें हमारी स्किन को प्रेप करना चाहिए, और प्रेप करने के लिए मैं क्या करती हूँ जब मुझे ऐसा फील होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे मेरे स्किन पर अगर कुछ भी डर्ट, पोल्यूशन या कोई भी थोड़ा सा मेकअप लगा हुआ है तो वो निकल जाए। इस स्टेप की जगह आप फेस वॉश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप है फेस पैक। जी हाँ, एक हाइड्रेटिंग, अच्छा मॉइस्चराइजिंग, एकदम बेस्ट वाला फेस पैक लगाना हमेशा ही एक गुड चॉइस होती है। तो यहाँ पर देखिए मैं वही कर रही हूँ। यहाँ पर मैं वाव स्किन साइंस का अमेजोन रेन फॉरेस्ट कलेक्शन में से मिनरल फेस पैक यूज़ कर रही हूँ, जिसके अंदर ब्राजीलियन कॉलिन, वाइट क्ले, बुरिटी ऑयल, विटामिन ई है, जो फर्मर और स्मूदर स्किन के लिए परफेक्ट है। आपको पता ही है कि वाव के प्रोडक्ट्स नो पैराबेंस, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल, नो कलर होते हैं। इसके अंदर जितनी भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं ना, वो सारी ही इतनी बढ़िया है कि स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे हफ्ते में 3 बार या 2 बार यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है तो आप 2 बार या 1 बार यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी जो स्किन है वो क्लियर और फर्म हो जाएगी। इसके अंदर कुछ ऐसे प्रूवन इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे स्किन को बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, और मैं आपको बता दूँ इसमें इतनी सारी चीज़ें छुपी हुई है जिसकी वजह से स्किन पर आप एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस देख पाएंगे अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करेंगे तो। ये स्किन के जो सनबर्न्स है, रैशेस है, उन पर भी काम करता है, इंक्रीज़ करता है स्किन की इलास्टिसिटी को, स्किन की क्वालिटी काफ़ी अच्छा कर देता है, रिपेयरिंग रिजुनेटिंग का भी काम करता है, और स्किन को काफ़ी स्मूद और ग्लो तो बनाता ही बनाता है, पर इसकी वजह से स्किन का जो एक टेक्स्चर है वो ठीक हो जाता है, और हाईली ये हाइड्रेटिंग है, डीप क्लीन करता है, क्लेरिफाई करता है हर एक स्किन की इम्प्योरिटीज़ को, और कूल और फ्रेश बनाता है स्किन को, और मॉइस्चर तो इतना ज़्यादा प्रोवाइड करता है कि स्किन काफ़ी हाइड्रेट रहती है। सो इसके मैं जितनी भी बात करूँ वो कम है, तो इससे अच्छा एक बार आप इस फेस पैक को ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देखा आपने किस तरह से मैंने अपनी स्किन को रेडी कर दिया है इस मेकअप के लिए। देखिए, मेकअप मैं बहुत ज़्यादा ऐसा हेवी वाला नहीं करने वाली हूँ, पर कई बार एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करने से भी आपकी जो स्किन है वो बहुत फ्लॉलेस दिखती है, और मेकअप उससे भी ज़्यादा फ्लॉलेस दिखता है। तो अब मैं लगाऊंगी सिर्फ और सिर्फ बीबी क्रीम। मैं ज़्यादा कंसीलर या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लगाने वाली हूँ। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको भी वाव का ये फेस पैक ख़रीदना है तो इसकी परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, चेक ज़रूर करिएगा। ये बहुत ही अमेजिंग सा कलेक्शन है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कलेक्शन, और मुझे ये कलेक्शन के हर एक प्रोडक्ट बड़े भाग है। और मैं बता दूँ, इनकी जो खुशबू है ना वो इतनी लाजवाब है कि मैं तो मतलब इस फेस पैक को उतारने के भी ज़्यादा मूड में रहती, क्योंकि खुशबू जो भिनी भिनी से आ रही थी ना, वो मेरा मतलब दिल खुश कर दे रही थी। तो ये था मेरा एक एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं सिर्फ और सिर्फ बीबी क्रीम यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, मैं लगा रही हूँ अपनी बीबी क्रीम। हल्का सा
कॉम्पैक्ट लगा लूँगी अपने आँखों के नीचे और टी जोन एरिया में जहाँ पर मुझे हल्का ऑयल हमेशा आता है, क्योंकि मेरी स्किन जो है ड्राई टू कॉम्बिनेशन है। देखिए, आईब्रोज को फिलअप करना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हाइलाइटर नहीं लगाऊंगी आज मैं, थोड़ा सा वैसलीन लगाऊंगी। जी हाँ, हाइलाइटर की जगह पर आप थोड़ा सा वैसलीन भी लगा लेंगे ना, तो आपके चीक बोन्स पर एक नेचुरल ग्लो दिख कर आएगा। मैं थोड़ा सा ब्लश लगा लूँगी जो कि काफ़ी न्यूट्रल कलर का है, जिसकी वजह से नेचुरल सा स्किन पर एक अच्छा सा, मतलब एक फ्रेशनेस ऐड होगी। ब्लश लगाने से ना आपके चेहरे पर एक फ्रेशनेस ऐड होती है। हल्का सा जो पिंकिश टोन का शेड है ना, उसे मैं हल्का सा आँखों पर लगा लूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा कलर डिपॉजिट नहीं चाहिए, बट एक हल्का सा चाहिए। तो यहाँ पर जो ये शेड थोड़ा सा पीची शेड दिख रहा है और ये थोड़ा सा ग्लिटरी शेड, इन दोनों को मैं हल्का सा लगा लूँगी। अब सिंपली मैं अपने आईलैशेस को कर्ल करूँगी। अब हल्का सा इस कलर का जो काजल है उसे लूंगी। ये बहुत ही सुंदर पर्ल फिनिश एक काजल है, इससे आंखों में एक फ्रेशनेस ऐड होगी। अब डेफिनेटली मेरे आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मस्कारा। अब आप देख सकते हैं कि मैं लिप्स पर लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। जी हाँ, मैं लगाऊंगी लिप स्टेन, और इससे पहले मैंने लिप बाम लगाया था जिसका अभी भी कलर आप देख सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे बिल्डअप करूंगी अपने इस लिप स्टेन की मदद से। या जैसे कि आप तो देख ही सकते हैं, सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह से मेरा ये था सिंपल सा तरीका फ्लॉलेस मेकअप लुक पाने का। आई रियली होप कि आपको ये मेरा जो वीडियो है वो यूज़फुल लगा होगा। अगर लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना अच्छा लगा आपको मेरा ये मेकअप लुक और मेरा ये ट्रिक। वैसा ये ट्रिक बहुत नया नहीं है या मैंने इन्वेंट नहीं किया है, पर ये तरीका अक्सर हम लोग नहीं फॉलो करते, इसीलिए हमें मेकअप के साथ कुछ अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ते हैं। पर आगे से पक्का फॉलो करिएगा, आपका भी मेकअप इतना ही फ्लॉलेस लगेगा जितना मेरा लग रहा है ना। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा।